हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममिता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बोड़ा या टागर कैसे बनते हैं। वो मेरा मैंने इसके पहले बेसन का लड्डू बनाया था, वहां पे मैंने यूज किया था बोड़ा। तो मैं ये जो बेसन का लड्डू है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको अगर आप वहां से देख सकते हैं जे मिठाई में कैसे यूज होता है। ये बोरा मैं बनाऊंगी, इसे ये क्या है, अभी तो फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, तो जहाँ लड्डू या हलवा कुछ भी आप बनाएं तो इस बोरा से अगर बनाते हैं तो ये टेस्टी और भी ज्यादा होता है, पिसी हुई चीनी से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं वही बोरा कैसे बनता है या टागर इस रेसिपी को आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैं ले रही हूँ ये 3 कटोरी चीनी लूंगी, मैं 3 कटोरी चीनी, 3 कटोरी चीनी ले लिया मैंने। और यहाँ मुझे लेना होगा, ये हिसाब आपको ध्यान में रखना होगा, 3 कटोरी चीनी के साथ मैं 1 कटोरी पानी और थोड़ा सा मतलब आधा कटोरी भी मैंने नहीं लिया, आधा कटोरी से भी कम पानी मैंने यहाँ पे दे रही हूँ, इससे मेरा बन जाएगा बोड़ा। मैं गैस ऑन कर रही हूँ, ये हलवा लड्डू इसी से इसमें आप यूज कर सकते हैं ये बोड़ा। चीनी को पूरा मेल्ट होना है, आज को मैंने अभी हाई रखी हूँ, कुछ देर पहले बाद से धीमी आंच में कर दूंगी। इसे लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि इस सीजन में कोई भी घर में बनाएगा लड्डू हलवा कुछ भी तो उन लोगों के लिए आसान होगा। और आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली फ्रेंड्स में जहाँ पे इसको आप शेयर कर दीजिए। आज मैंने स्लो कर दिया, चीनी मेरा पूरा मेल्ट हो गया है। अब इसे मुझे 1 चम्मच घी देना होगा, इससे क्या होगा ये जो यहाँ पे इसमें गांठे नहीं बनेगा, गुठलिया हो जाती है ना, और अगर गुठलिया हो भी जाती है तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं देखती हूँ। इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं होगा।
चम्मच, इसको अब मैं गैस से निकाल लेती हूँ। गैस ऑफ कर दिया मैंने, अब मैं ऐसे इसको पकाऊंगी। इसको जल्दी जल्दी पकाना होगा। देखिए जो बोरा ये है वो रेडी हो गया है। बोरा टागर जिसे बोलते हैं वो रेडी हो गई है। ये जो गुठलियां आप देख रही है ये चलाते चलाते भी हो बन गई है मेरी, कोई बात नहीं है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा होने के बाद एक बार मिक्सी चला लूंगी इसमें, तो ये मेरा पाउडर जैसा बिल्कुल बन जाएगा। हो गया मेरा। अभी मैं देखिए फ्रेंड्स मेरी बोरा एकदम रेडी हो गई है। ये लड्डू हलवा से जब बनाएंगे ना आप, इसमें बहुत अच्छा लगेगा बोरा से जब बनाएंगे। तो ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा हल्का सा ठंडा होने पे ये जो आप देख रहे हैं ना थोड़ी गांठे गुठली पड़ गई है मेरी, तो मैं इसे एक बार मिक्सी चला लूंगी। इस बार मिक्सी में इसको, ये ठंडा हो गया है मेरा, 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा तो मैं मिक्सी में इसको पाउडर कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। ये जो मेरे गुठलियां बन गई है बोरा में, मैं मिक्सी में देके इसको एक बार पीस लूंगी, ये पाउडर जैसा हो जाएगा। फिर ये देखिए कितना सुंदर मेरा बोरा रेडी। ये देखिए मिक्सी में चलाने के बाद ये जो मेरा गुठलियां पड़ी थी ना मिक्सी के, ये एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो मेरा जो बोरा वो मेरा रेडी हो गया है। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और लड्डू और हलवा में बना के एंजॉय। थैंक यू, बाय बाय।